कोविड वैक्सीन से लेके मून लैंडिंग तक भारत अपने सॉल्यूशंस पूरे विश्व के साथ साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहा है और इसी के चलते आज भारत की छवि एज अ लो कॉस्ट इनोवेटर ज्यादा मजबूत हुई है। आज भारत को वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के नाम से भी जाना जाता है और रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यूएस और चाइना के बाद भारत थर्ड जियोपॉलिटिकल पोल को स्थापित करने में भी मददगार साबित हो सकता है। आज G20 समिट की अध्यक्षता के साथ भारत कुछ ऐसे मुद्दों को उजागर कर रहा है जहां करोड़ों लोगों की समस्याओं को और आवाज को टेक्नोक्रेट्स और वॉन्ग्स द्वारा दबाया जा रहा था और साथ ही साथ फूड, हेल्थ, जॉब्स, एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पर भी भारत चर्चा कर रहा है। G20 की अध्यक्षता के संदर्भ में आज भारत की विश्व में एक नई पहचान बनी है और रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आने वाले वर्षों में G20 समिट में अगली प्रेसिडेंसीज भारत से प्रेरित होकर इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेगी।